हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई एम आदिल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्कैम इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया और स्पेशली इन भोपाल, बिकॉज मैं अब यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ का एक्सपीरियंस है, तो मैं शेयर करने वाला हूँ और कम्प्लीटली मैं यहाँ का स्कैम बताने वाला हूँ ताकि आप लोग अगर एडमिशन ले भी रहो तो ये चीज सारा कुछ अगर पता रहेगा तो बाद में रिग्रेट आप लोग नहीं करोगे। नंबर वन से करते गाइस, यहाँ की जितने भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्पेशली अगर मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ और अप्रॉक्सिमेटली सभी सेम ही रहते, जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का एनवायरमेंट है सब लगभग सेम ही रहते हैं, बट स्पेशली अगर बात करें भोपाल की तो यहाँ के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सारे कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है जो कि है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सबसे पहली बात, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज का बुराई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ रियलिटी है, कुछ सच्चाई है जो कि सारे स्टूडेंट जो भी है यहाँ के वो सारे एक्सेप्ट करते हैं, सभी को पता है ऐसा कुछ होता है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोला तो आप किसी भी स्टूडेंट के यहाँ से पूछ लेना, वो लगभग यही बताएं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि सारे कॉलेज यहाँ के एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। दूसरी चीज है गाइस, अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो होता है क्या, अगर आप यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेते हो जो कि राजीव गांधी से अफिलेटेड है, उसमें आप लोगों को ज्यादा फीस लगती है और कॉलेज का खुद का यूनिवर्सिटी रहता है जो कि अगर आप उसमें एडमिशन लोगे तो आपका हाफ में एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं फीस स्कैम इन एडमिशन, जो आप लोग अगर किसी के भी थ्रू एडमिशन होते हो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ के भोपाल में, और लगभग सारे इंडिया का मुझे नहीं पता तो इस वजह से मैं सारे को नहीं बताऊंगा, मुझे यहाँ का पता तो यहाँ का बता रहा हूँ, लगभग का सेम ही रहता है। इस वजह से ऐसा एजुकेशन सिस्टम और ऐसा इन्वायरमेंट इंडिया में क्रिएट हो रहा है और सभी स्टूडेंट जितने भी यंग लोग जो कि आईआईटी एनआईटी में नहीं जा सकते वो यहाँ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मान के चलो आपने 12 कंप्लीट कर ली अच्छे नंबर से एंड आपने जेई का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद एडवांस का एग्जाम दिया, आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको एक कॉलेज मतलब मिल जाती है कि हाँ इस कॉलेज में आप जा सकते हो, इसके थ्रू इस कॉलेज में जा सकते हो, और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूट में आ जा सकते हैं अपना मतलब कॉलेज का मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लो, भोपाल का एनवायरमेंट अच्छा, ऐसे ऐसे करके आप किसी के थ्रू एडमिशन कर ले तो आ जाते हो भोपाल में। मान के चलो सबसे पहले बात मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ब्रोकर जगह दे रहा हूँ, एक रिलेटिव का दे रहा हूँ, एक अपने लोगों का बता रहा हूँ। आप ब्रोकर के थ्रू जैसे ही आते हो, अगर कॉलेज का किसी कॉलेज का फीस आप लोग को एडमिशन कराया दिया जाता है, मान के चलो सीएस ब्रांच में एडमिशन कराया जाता है आप लगा हुआ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 1,20,000 रुपए में, और अगर आप किसी रिलेटिव के थ्रू एडमिशन लेते हो किसी अपने के थ्रू और उसको अगर नॉलेज है और वो जानता है वो भी अगर एडमिशन करा देता आपका, मान के चलो वही सेम कॉलेज में उस वही सेम ब्रांच में आपका 80,000 में या 60,000 में, आप देख रहे हो डिफरेंस, एक ने आपका एडमिशन कराया 1,20,000 में सेम कोर्स सेम यूनिवर्सिटी सेम कॉलेज में सेम ब्रांच में 1,20,000 में, और आपके रिलेटिव ने करवाया 60,000 में। बट यहाँ पे जो एक स्कैम होता है गाइस वो होता है फीस रिटर्न। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन अगर मान के चलो किसी ने भी कराया, अगर मान के चलो मैंने भी कराया, तो जितना फीस आप कॉलेज वाले को दोगे उसका 90-80% जो एडमिशन करा था उसको वो रिटर्न मिल जाता है फर्स्ट ईयर का फीस। तो मान के चलो आपने 60 में एडमिशन कराया तो 60 का 50 तक तो उसको मिल गया जिसने आपको एडमिशन कराया, और आपको तो पता चलेगा नहीं, किसी को नहीं पता, सेकंड ईयर में पता चलता कि ऐसा कुछ होता है। आप 3 साल कॉलेज में फीस दे रहे हो तो अप्रॉक्सिमेटली 6 का 6 से 18 अप्रॉक्सिमेटली 1,80,000 आप दे रहे हो एक कोर्स का पूरे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का, और कोई आपका एडमिशन करा देगा 20,000 में भी सेम कॉलेज सेम यूनिवर्सिटी सेम ब्रांच में, कोई आपका एडमिशन करा देगा फर्स्ट ईयर फ्री में भी। तो इस टाइप का यहाँ स्कैम चलता है, ये स्टूडेंट बाय स्टूडेंट इसे दर पीढ़ी बोलते हैं ना, मतलब लोग इसको ट्रांसफर करते जा रहे हैं, जो किसी सीनियर ने जूनियर का पैसा खाया तो वो जूनियर भी किसी का खाएगा पैसा, ऐसा ऐसा करते करते वो चलता ही जा रहा और ये चलता ही जाएगा जब तक लोग का माइंड मतलब ब्राइट नहीं हुआ, वो लोग आगे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक ये सब चलता ही रहेगा। एक और चोचला होता है, मान के चलो एक कॉलेज है जिसका नाम है ए, तो ए का 4 ब्रांच है, सेम कॉलेज का 4 ब्रांच है, मान के चलो ए का एक मेन ब्रांच है, फिर एक्सलेंस ब्रांच है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ब्रांच, एक्सलेंस फलाना ढमकाना बहुत सारे ब्रांच, तो मेन में ज्यादा फीस लग रही है, एक्सलेंस में कम लग रही है, इसमें कम लग रही है, ये सब मतलब स्टूडेंट भरने का एक चोचला है, क्योंकि लोग करेंगे क्या, अगर आईआईटी एनआईटी या तो फिर कोई अच्छे कॉलेज नहीं मिला तो लास्ट में एडमिशन लेना ही प्राइवेट, कुछ ना कुछ जिंदगी में करना ही है ना भाई, जिंदगी तो बर्बाद करना ही नहीं है एटलीस्ट, सभी लगभग लोग एडमिशन ले ही लेते हैं तो ऐसे करके फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं अपना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के, आपको यहाँ पे मतलब क्वालिटी प्रोवाइड करी जाती है कि आपको पढ़ाई होती है। सबसे पहले पढ़ाई के नाम पे घंटा कुछ नहीं होता, क्लियर बात बता रहे, लैंग्वेज क्लियर साफ हिंदी में, कुछ भी पढ़ाई के नाम पे घंटा नहीं होता, जो भी आपको करना है सब कुछ अपने से करना होगा, कुछ भी कॉलेज के नाम पे नहीं होता, एक्सेप्ट एक दो कॉलेज है जो कि अच्छी क्वालिटी और अच्छा इन्वायरमेंट अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करती है, अदरवाइज बाकी में जितने भी कॉलेज 200-300 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज सब लगभग का सेम ही इशू है, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेना, पैसा कमाना, बिजनेस बना के रखा, कोई पढ़ाई नहीं होता, जो कुछ करना सबको आपको करना होगा। मान के चलो अगर आप सोच रहे हो मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट एडमिशन लूंगा कंप्यूटर साइंस में, मैं जाऊंगा वहां का एनवायरमेंट रहेगा एकदम कोडिंग करेंगे लाइफ बनाएंगे एआई टेक्नोलॉजी जाएंगे अपना खुद का रोबोटिक्स, घंटा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जस्ट प्रिपेयर फॉर जी मेंस एग्जाम, एटलीस्ट प्रिपेयर करें अच्छी कॉलेज के लिए जिसमें एडमिशन ले लिया, रेपुटेड कॉलेज जहां की एटलीस्ट नॉलेज दी जाती है आपको, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मतलब बिल्ड करा जाता है और से कॉलेज में एडमिशन ले। बट अगर बात करें लगभग लोगों को एडमिशन नहीं होता आईआईटी एनआईटी में, तो लगभग लोग क्या करें, सुसाइड कर ले या तो फिर मर जाए या तो फिर छोड़ दे पढ़ाई करना। और फिर बात करें अगर यहां के प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट इज कंप्लीटली जीरो नथिंग, क्योंकि यहां तो आपको
कुछ स्किल्स सिखाया नहीं जा रही है, बस रद्दी के भाव में आपको असाइनमेंट डालना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, ऐसे आप तो एग्जाम निकल ही जाता है। और रिप्लेसमेंट का सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, प्लेसमेंट व्लेसमेंट कुछ नहीं होता, नाम का सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर जाता, पोस्टर लगा दिया जाता मेरे स्टूडेंट वहां से गए, बट ये नहीं पता वो जो स्टूडेंट अगर गया प्लेसमेंट ऑब्वियसली बात है वो सही रहता, झूठ पोस्टर लगाएंगे नहीं कॉलेज वाले, लेकिन वो खुद के दम पे है ना कि कॉलेज वाले का उसमें कंट्रीब्यूशन है। लास्ट में गाइस अगर बात करें यहाँ के मतलब एग्जाम के बारे में, आप किस तरह से अपना सेमेस्टर एग्जाम निकालते हो, क्या क्या यहाँ चीज यहाँ आपको प्रोवाइड करी जाती है। अगर आपने ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती है, अभी साइंस अच्छी है, नॉर्मल मतलब आप समझ लो 50-60% तक आपके मार्क्स आती है और उतनी आपको नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, मैं गारंटी देता हूँ गाइस आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 साल आप लोग इजिली 7.8 CGPA या 8 CGPA आराम से आप लोग निकालोगे, पूरा डिग्री कंप्लीट कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ, कॉलेज में एक दिन भी क्लास करने की जरूरत नहीं, इतने आराम से निकाल लोगे, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ। सबसे पहली बात पढ़ाई के नाम पे अभी तक ऐसा सिस्टम चल ही जा रहा है, चलते जा रहा, पता नहीं कब तक ये चलेगा, कब तक स्टूडेंट को इसमें मिल के तरह डाल के कुट्टी के तरह बर्बाद करे जाएंगे। मान के चलो एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को नॉलेज क्या चाहिए आदमी को, आप लोग यहाँ आते हो आप लोग को पता चलता C++ कुछ कोडिंग लैंग्वेज होता है, जावा कुछ कोडिंग लैंग्वेज होता है, बट जो ऑलरेडी अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़े रहते हैं उनको 9-10 में ही 5-4 क्लास में C++ जावा आ जाता है, तभी वो जाके अच्छे अच्छे आज पोजीशन पे है। बट आप यहाँ आते ग्रेजुएशन में आप सीखते हो सेकंड या थर्ड ईयर में C++ सीखते हो, जावा सीखते हो। वेल गाइज ये सब तो बहुत सारी बात हो गई, क्या था नहीं था, नहीं था मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बट कंक्लूजन की बात कर लेते कि आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका NIT या तो फिर IIT या तो फिर कोई आपका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो आगे। सबसे पहले बात मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को कुछ एग्जांपल सजेशन करना चाहता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसको मतलब अरेंज कर लेना और उस हिसाब से आप एक राइट डिसीजन लेना, क्योंकि ट्वेल्थ के समय हम लोगों को ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होता नहीं, पता नहीं रहता क्या करना नहीं करना, क्योंकि ट्वेल्थ के समय एक खून रहता, एक बचपना रहता, आग रहता कि कुछ कर लेना, बट उस खून को उस आग को यहाँ जो दबा दिया जाता है वो आग को यहाँ बुझा दिया जाता है एकदम अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले गाइस मैं एक एक करके सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लेना। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, नॉर्मल आप फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आपके फैमिली थोड़े बहुत कम पैसे कमाते हैं, बट आपको इंजीनियरिंग करना ही करना, आपका अच्छे एडमिशन कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है और आप नहीं निकाल पाओगे किसी एंट्रेंस से, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, तो सबसे पहले मेरा रिकमेंड रहेगा आप किसी भी यहाँ में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। नॉर्मली 10,000, 15,000 या 20,000 मैक्सिमम, 20-30,000 तक मैक्सिमम CS ब्रांच या कोई भी नॉर्मल ब्रांच आप लोग को मिल जाता है अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, इतने में आपका एडमिशन हो जाता है। आप एडमिशन ले लीजिए गाइस, कॉलेज का तो टेंशन रहता नहीं, आपको कॉलेज का एग्जाम निकाल ही लोगे, 10-20 दिन पढ़ाई करना रहता है, आप उस बीच में गाइस प्रिपेयर कर सकते हो IIT के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए आप अपने एजुकेशन को बिल्ड कर सकते हो अगर आप लाइफ में सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो। बट ये जान लो आपके जो 4 साल आप सोच रहे हो कॉलेज लाइफ वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, तो वो 4 साल में आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो और उसी के बीच आप प्रिपेयर कर सकते हो IIT के लिए, MTech के लिए। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि उसका मतलब जीमेंस में अच्छा स्कोर नहीं है, जिस वजह से उसको IIT कोई भी कॉलेज नहीं मिला, उसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ली, मेहनत करी, अच्छे से पढ़ाई करी, प्रिपरेशन करा, उसके बाद उसने IIT रुड़की से अभी वो कर रहा है MTech और फाइनली आज उसका माइक्रोसॉफ्ट में एज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लग चुका है प्लेसमेंट। तो आप ये कर सकते हो, यहाँ प्रिपेयर करके IIT में जा सकते हो। बट सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं ले सकते, मतलब उतना पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी उसी से आता हूँ, मैं भी कोई 23 मार्क का स्टूडेंट नहीं हूँ, अगर रहता तो मैं अभी यहाँ नहीं रहता, बहुत आगे ही रहता। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ एडमिशन ले लो, एडमिशन लेने के बाद जो स्किल्स है जो कंपनी को चाहिए, जो प्लेसमेंट के लिए चाहिए, अगर पैसे कमाने ही है, इंजीनियरिंग करना भी है, तो स्किल्स लो और फर्स्ट ईयर से ही पूरे मतलब अपने आप पे ध्यान दो, अपना पैशन से चेंज करो, अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपना पढ़ने का स्टाइल चेंज करो, स्किल्स सब लो, इतना खुद में स्किल्स डेवलप कर लो कि आप लोग को जॉब की टेंशन ना हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने बहुत सारे सीनियर को देखे जो 4 साल तक तो फैमिली पैसा भेज देते हैं। देखो फैमिली से तो पैसे मांगने बहुत बड़ी बात हो जाती है, यहाँ की अगर पढ़ाई कर ले तो 4 साल के बाद या 3रे साल में फैमिली से पैसा लेना लगता बोझ हो जाता है, और अगर उसके बाद भी आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती, आपके फैमिली 10-15 हज़ार पर मंथ दे रहे और आप घर में जाके बैठ रहे हो, तो फैमिली के सामने और आपका खुद का एटीट्यूड, आपका स्टेटस क्या बन जाता है, वो आप जब आप पहुंचोगे उस पोजीशन पे तब आपको समझ में आएगा वो फीलिंग। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा आपको यहाँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले के लिए, किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा यहाँ के स्पेशली एडमिशन लो अगर कुछ करना फ्यूचर में, क्योंकि अगर मुझे भी इतना नॉलेज रहता तो मैं नहीं लेता एडमिशन, मैं अपना स्टार्टअप करता घर पे लाके और खुद से ही मैं स्किल्स को इम्प्रूव करता, क्योंकि जो मेरा यहाँ मतलब पैसे वेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर पाता। और जहां तक रही बात इंग्लिश से लेके जहां तक कंप्यूटर नॉलेज की रही, जहां तक अभी तक मैंने कुछ भी अगर नॉलेज रही है 0% कॉलेज वाले ने मुझे प्रोवाइड करी, सब कुछ जो भी मेरे पास आज नॉलेज, जो भी मेरे पास मैं वीडियो एडिटिंग कर पाता हूँ, जो भी कुछ कर पाता हूँ A to Z, फैशन से लेके अपना मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करा, मैंने इंग्लिश इंप्रूव करा, मैंने सब कुछ इंप्रूव करा A to Z, मैंने इंटरनेट से करा है A to Z, 100
100% मैंने इंटरनेट से करा सारा कुछ 100%। कहीं से भी ट्यूशन से मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं मिले, मैं क्लियर बोल देता हूँ, चाहे तो जीरो से लेके फर्स्ट क्लास से लेके, मेरी स्कूलिंग पढ़ाई नहीं हुई थी, मैंने सब कुछ इंटरनेट से ही करा A to Z। ये मैंने आप लोगों को डराया नहीं, ये मैंने आप लोगों को कुछ गलत एडवाइस नहीं दिया, मैंने रियलिटी आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को रियलिटी पता चले। और लगभग यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ऐसा ही चल रहा है, अगर हम लोगों को कुछ करना है तो हम ही लोगों को कुछ स्टेप करना होगा, ना कि कोई सरकार या तो फिर कुछ कॉलेज वाले करेंगे। कुछ करना है तो कुछ खुद से ही करना होगा, क्योंकि वैसा वाला अब जमाना नहीं रहा कि हम लोग कुछ अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास अब सारा कुछ एक्सेस है। आप MIT अच्छे अच्छे कॉलेज का, आप लाइब्रेरी घर पे बैठे एक्सेस कर सकते हो, सारा लेक्चर एक्सेस कर सकते हो, ऑब्वियसली सब कुछ फ्री में। IIT का आप कर सकते हो तो घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप इतना हम लोग के पास सारा मतलब फैसिलिटी है, कॉलेज जाने का कोई जरूरत नहीं। और जॉब के तो जरूरी है, जॉब जब आप जाओगे एडमिशन के लिए तो जॉब वाले वही बोलेंगे मुझे इसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है। और जॉब की तो बात अभी बनने करने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक बन जाएगी गाइस। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो मुझे कमेंट करके बताना भाई आपने ये गलत करा है, मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा। और मैंने जो भी बताया मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने बताया। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, एंड पीस आउट, डू व्हाटएवर यू वांट राइट नाउ, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम।